आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एम्ब्रॉयडरी का पहली क्लास है। और तो आज हम सीखने जा रहे हैं रनिंग स्टिच है। तो रनिंग स्टिच सीखने के लिए पहले आपको ये एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में ये कपड़े को फंसाना है। जैसा कि आप सब जानते हैं तो सिंपल है रनिंग स्टिच। तो पहले आप एक स्केल ले लीजिए और इस तरह से एक पेन की सहायता से ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने एक 9 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया है और मैंने आप देख सकते हैं हर आधे आधे सेंटीमीटर में, ओके, हर आधे आधे सेंटीमीटर में मैं एक मार्किंग कर रही हूँ। आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये मैं क्यों कर रही हूँ मैं बाद में बताऊँगी। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया है। तो मैंने एक धागा लिया है, आपकी मर्जी है जितना आप लेना चाहे ले सकते हैं। तो इसमें जो है 6 स्ट्रैंड है, देख सकते हैं कि 6 स्ट्रैंड है। तो 6 स्ट्रैंड ये देखिए, तो इन 6 स्ट्रैंड को हम इक्वली, यानी कि एक स्ट्रैंड एक जो है इसमें हम 3 वाला लेंगे, ठीक है ना। 3, ये देखिए 3, ये देखिए, ये देखिए, ये हम 6 स्ट्रैंड वाले धागे को 2 हिस्सों में हमने बांट दिया, 3-3 स्ट्रैंड कर दिया, आप देख सकते हैं इसे। अब हम पहले इसे एक गांठ बांध लेते हैं एक साइड में, है ना। तो धागे का भी वेस्टेज अभी आप देख लीजिए। तो इस सुई को, सुई के अंदर हम धागे को ऐसे डालते हैं, थोड़ा बड़ा सुई है तो आप कोई भी सुई ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रहा, ठीक है ना। तो बस इतना आपको बस ये रखना है, ओके। इसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। तो पहले ये देखिए, पहले हम नीचे से, ओके, नीचे से इस सुई को इंसर्ट करेंगे, नीचे से सुई को इंसर्ट करेंगे। तो ये लूज है, इसको एक और बार गांठ बांध लेते हैं। ठीक, एक और बार गांठ बांध लेते हैं, हम नीचे से इसे इंसर्ट करते हैं। और इस तरह से इसे, ये हमने जनरली बहुत बार हमने हाथ से सिलाई करते समय इसे किया है। अब देखिए एक गैप रख के इसे करेंगे तो ये एक जो स्टिच है ना बहुत अच्छा दिखेगा। तो इसमें मेरा थोड़ा बहुत हाथ बैठा है तो मैं थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ। आई थिंक ये तो बहुत सिंपल है। ये रहा, ये रहा,
ये रहा एंड ये रहा। इस तरह से आप इसको यहाँ पे एंड करेंगे एंड इसको उल्टा रख के, है ना, उल्टा रख के इस तरह से इसे बांध देंगे एंड बाकी जो एक्स्ट्रा जो है तो आप काट दीजिए और इस तरह से आपका ये स्टिच सिक्योर हो गया। तो ये जो है स्टिच है ये है आपका रनिंग स्टिच। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस रनिंग स्टिच से जुड़ा एक डिज़ाइन है जो मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।